हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और आज की वीडियो में हम यूजीसी नेट का टॉपिक पढ़ेंगे, फूड साइंस, जो कि फूड एंड न्यूट्रिशन सब्जेक्ट का एक टॉपिक है। हम ऑलरेडी फूड ग्रुप्स एंड फूड प्रिपरेशन एंड प्रिजर्वेशन टॉपिक कम्प्लीट कर चुके हैं। ये हमारा फूड साइंस टॉपिक है जो कि यूजीसी नेट के लिए इम्पॉर्टेंट है। और ये जो फूड एंड न्यूट्रिशन सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट होम साइंस में लगता है, तो ये होम साइंस की क्लास है और ये इस टॉपिक की क्लास वन है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। फूड साइंस क्या होता है? फूड साइंस इज़ डिवोटेड टू द स्टडी ऑफ फूड। फूड साइंस किससे को डिवोट करता है? ये डिवोट करता है स्टडी ऑफ फूड को, विद स्टडीज़ अबाउट टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ फूड, जो कि फूड के बहुत सारे टेक्निकल एस्पेक्ट्स होते हैं उनको स्टडी करता है। जब हम टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ फूड या फिर हम खाने की स्टडी करते हैं डीपली, लाइक एक खाने में क्या न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं, कैसे उसको कुक किया गया है, कैसे उस खाने को हम प्रिजर्व कर सकते हैं, ये सारा फूड साइंस कहलाता है। फूड एनालिसिस क्या होता है? फूड एनालिसिस डील करता है एनालिटिक प्रोसीजर से, एनालिटिकल प्रोसीजर से, जिसमें हम ये कैरेक्टराइज करते हैं कि फूड्स में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, फूड का क्या कॉम्पोजिशन है, क्या स्ट्रक्चर है, क्या फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ और सेंसरी एट्रीब्यूट्स उसमें हैं। फूड साइंस ऑल्सो डील्स विद द स्टडी ऑफ टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स। फूड साइंस डील करता है टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट की स्टडी से भी, कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो हमारे खाने में प्रेजेंट हैं एंड देयर अमाउंट, और वो कितनी अमाउंट में प्रेजेंट हैं एक पर्टिकुलर फूड आइटम में, उसकी पूरी स्टडी फूड साइंस कहलाती है। फूड साइंस डील करती है विद द चेंजेस एंड रिएक्शंस दैट ऑकर इन द फूड। जो भी चेंजेस हमारे खाने में टाइम टू टाइम ऑकर होते हैं, या जो भी हम खाने को कुक करते हैं, कुक करने के बाद जो भी चेंजेस या रिएक्शंस खाने में टेक प्लेस करती हैं, उससे भी फूड साइंस डील करती है। चाहे वो चेंजेस हमारे एनवायरमेंटल कंडीशन की वजह से हों, हीट, कोल्ड, लाइट, एयर एक्सेट्रा, या फिर कुकिंग की वजह से हो। सम ऑफ द फूड आइटम्स विद देयर स्ट्रक्चर, कॉम्पोजिशन, न्यूट्रिटिव वैल्यू, अब हम आगे पढ़ेंगे, हर एक न्यूट्रिएंट को समझेंगे, उसके कॉम्पोजिशन के बारे में पढ़ेंगे। न्यूट्रिएंट्स तो हमें पता है ये कितने तरीके के होते हैं, 5 होते हैं, ठीक है। और जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनके अंदर बहुत सारे हमारे फूड्स जो होते हैं, फूड प्रोडक्ट्स होते हैं, वो तो बहुत सारे होते हैं, और वो हमें वो 5 न्यूट्रिएंट्स प्लस एक और न्यूट्रिएंट होता है वाटर, वो प्रोवाइड कराते हैं। तो प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, ये हमारे 5 न्यूट्रिएंट्स हैं, और वाटर भी एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट है, तो ये टोटल 6 हो जाते हैं। पहले सबसे पहले हम बात करेंगे सीरियल्स की। हम पढ़ चुके हैं कि कौन कौन से सोर्सेज होते हैं जहाँ से हमें खाना मिलता है। तो पहला हमारा वेजिटेबल सोर्स होता है और दूसरा हमारा नॉन वेजिटेबल सोर्स होता है। तो जो वेजिटेबल सोर्स होता है उसमें सबसे पहले हमारे पास सीरियल्स ही आते हैं, तो हम सीरियल से ही शुरू कर रहे हैं। सीरियल्स क्या होते हैं? डिफरेंट सीरियल्स, वैसे हम सीरियल्स के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं कि सीरियल्स कौन से वर्ड से आया है, सीरीज से आया है, ये सब आप जो पुरानी वीडियोज़ हैं उनको चेकआउट कर सकते हैं प्लेलिस्ट में जा कर के। एंड हम अभी नए टॉपिक से शुरू कर रहे हैं, कुछ और जानते हैं सीरियल्स के बारे में। डिफरेंट सीरियल ग्रेन्स होते हैं जैसे कि वीट, राइस, बाजरा, ज्वार एक्सेट्रा, हैव सम व्हाट, इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो बेसिकली सेम होता है। सीरियल्स, होल वीट, रागी, बाजरा बहुत ही हाई अमाउंट ऑफ फाइबर को कंटेन करते हैं। जो प्रोटीन कंटेंट है वो भी वेरी करता है फ्रॉम द टाइप एंड वेराइटी ऑफ सीरियल्स। हर एक सीरियल में इनका जो स्ट्रक्चर है वो तो सिमिलर होता है, लेकिन जो प्रोटीन कंटेंट है वो इनमें डिफरेंट डिफरेंट होता है। और साथ में जितने भी ये सीरियल्स होते हैं, सारे के सारे बहुत ही हाई अमाउंट ऑफ फाइबर को कंटेन करते हैं। द रिफाइनिंग एंड पॉलिशिंग जो होती है सीरियल ग्रेन्स की, वो रिड्यूस कर देती है उसके बी विटामिन कॉम्पोनेंट कंटेंट्स को। जब हम सीरियल्स को थोड़ा रिफाइन करते हैं या थोड़ा पॉलिश करते हैं कि उनमें चमक आ जाए, जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे सीरियल्स में से जो विटामिन बी होता है वो रिड्यूस हो जाता है, वो कम हो जाता है। सीरियल्स आर रिकॉग्नाइज्ड एज अ मेन सोर्स ऑफ एनर्जी।
सीरियल्स जो हैं वो हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, और 70-80% जो टोटल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होती है हमारी, वो सीरियल्स ही फुलफ़िल कर देते हैं, क्योंकि ज़रूरी होती है। हम खाते ही हैं, हम आटा लेते हैं, हम रोटियां खाते हैं, वो वीट की बनी होती हैं, हम राइस खाते हैं, हमारी डे टू डे लाइफ में राइस कहीं ना कहीं हमारे जो मील होता है उसका पार्ट बन ही जाता है। बाजरा, ज्वार, ये सब हम थोड़ा कम खाते हैं, कुछ जगह राजस्थान में ये भी बहुत खाए जाते हैं, लेकिन इनमें फाइबर का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। प्रोटीन इनमें वेरी कर सकता है, लेकिन इनका बेसिक स्ट्रक्चर एक ही होता है, और जब हम इनकी रिफाइनिंग या पॉलिशिंग करते हैं तो बी विटामिन्स की कमी हो जाती है, और सीरियल्स मेन सोर्स ऑफ एनर्जी कहलाते हैं, जो कि हमारा 70-80% न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट टोटल को फुलफ़िल करते हैं। अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सीरियल ग्रेन की। जो ये सीरियल्स होते हैं इनका भी स्ट्रक्चर होता है, लेकिन हमने बात की कि सभी का स्ट्रक्चर बेसिक स्ट्रक्चर सेम होता है, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं। सीरियल ग्रेन जो होता है वो चार पार्ट्स में उसका स्ट्रक्चर जो है वो डिवाइडेड होता है। इसमें एक एम्ब्रियो होता है, एक एंडोस्पर्म होता है, एक प्रॉल्ट पेरिकार्प होती है, और ये मैम्ब्रेन होती है, लेयर होती है, और एक एल्यूरॉन सेल लेयर होती है। तो एम्ब्रियो के बारे में हम देख लेते हैं। एम्ब्रियो जो होता है वो एंडोस्पर्म से सेपरेटेड होता है एक लेयर के द्वारा, जो कि होती है स्क्यूटैलम। तो सीरियल ग्रेन में एम्ब्रियो एंडोस्पर्म से किसके द्वारा जो है सेपरेटेड होता है, वो होता है स्क्यूटैलम। स्क्यूटैलम क्या करता है? स्क्यूटैलम ट्रांसमिट स्टोर्ड फूड ऑफ एंडोस्पर्म टू द एम्ब्रियो ड्यूरिंग जर्मिनेशन। अब स्क्यूटैलम का भी यहाँ पे काम होता है सीरियल ग्रेन्स के स्ट्रक्चर में, कि जो स्क्यूटैलम होता है वो सारे खाने को एंडोस्पर्म से एम्ब्रियो में ट्रांसमिट करता है जर्मिनेशन के टाइम पे। जो हमारा एम्ब्रियो होता है ये प्रोटीन और फैट में बहुत ज़्यादा रिच होता है, और ये ज़्यादातर बी विटामिन्स को या विटामिन बी को अपने अंदर स्टोर करके रखता है। एंडोस्पर्म की बात करें तो एंडोस्पर्म जो होता है वो कंटेन करता है मेनली स्टार्चेस को एंड प्रोटीन्स को। जो साइज़ होता है यहाँ पे स्टार्च ग्रेन्यूल का, वो वेरी कर सकता है टाइप ऑफ सीरियल के अकॉर्डिंग। ब्रॉल्ट पेरिकार्प एक लेयर होती है, ये आउटर लेयर होती है जिसको हम एपिडर्मिस कहते हैं। जो करेक्टरिस्टिक कलर होता है हमारे ग्रेन का वो क्यों होता है? वो होता है ड्यू टू द डीप पिगमेंटेशन ऑफ द इनर लेयर ऑफ सीड कोट। जो सीड कोट का इनर लेयर होता है उसकी बहुत ज़्यादा डीप पिगमेंटेशन की वजह से जो कलर होता है वो ग्रेन के अंदर आता है, पर्टिकुलर कलर, क्योंकि हर एक ग्रेन का कलर जो है वो अलग अलग होता है। लेकिन यहाँ पे ब्रॉल्ट पेरिकार्प की बात करें तो ये एक आउटर लेयर होती है पूरे इसकी सीरियल ग्रेन के स्ट्रक्चर की, जिसको हम एपिडर्मिस कहते हैं। एल्यूरॉन सेल लेयर की बात करें तो इट इज़ द लेयर ऑफ सेल्स, ये सेल्स की लेयर होती है जो कि एंडोस्पर्म को सराउंड करती है। द सेल्स ऑफ दिस लेयर कंटेन्स निकोटिनिक एसिड को कंटेन करते हैं, ये सेल्स फाइटिक एसिड को, प्रोटीन को, ऑयल को एंड मिनरल मैटर को कंटेन करती है एल्यूरॉन सेल लेयर। तो जो एल्यूरॉन सेल लेयर है ये तो एंडोस्पर्म को सराउंड करती है, ये सेल्स की लेयर होती है और ये बहुत सारी चीज़ों को कंटेन करती है। फिर ब्रॉल्ट पेरिकार्प की बात करें तो ये आउटर लेयर होती है जिसको हम एपिडर्मिस बोलते हैं, ये पूरे स्ट्रक्चर की आउटर लेयर होती है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इफ़ेक्ट्स ऑफ कुकिंग ऑन न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ सीरियल्स। जब हम कुक करते हैं सीरियल्स को तो क्या कुकिंग का इफ़ेक्ट पड़ता है हमारे सीरियल्स के न्यूट्रिटिव वैल्यू पे? तो सबसे पहले है कि जो आप वॉश करते हो आपके सीरियल्स को, जब हम वॉश करते हैं तो बहुत सारे न्यूट्रिएंट लॉस टेक प्लेस करता है सीरियल से। जितना कुकिंग से नहीं लॉस होता उतना वॉशिंग से हो जाता है कई बार, इसलिए बोलते हैं कि माइल्ड वॉश करना चाहिए, बहुत ज़्यादा वॉशिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उससे सारे न्यूट्रिएंट्स पानी के साथ निकल जाते हैं। एंड स्पेशली यहाँ पे बी विटामिन्स का बहुत ज़्यादा लॉस होता है, जैसे कि थायमिन, राइबोफ्लेविन एंड नियासिन। एक्सेस ऑफ वॉशिंग हमेशा हमें अवॉइड करनी चाहिए, और सम ऑफ द न्यूट्रिटिव लॉस को हम कंपनसेट कर सकते हैं फोर्टिफिकेशन के द्वारा बाद में ऐड करके, लाइक इन ब्रेड मेकिंग में जहाँ पे बी विटामिन्स का लॉस हो जाता है 30%, तो उनको बाद में फोर्टिफिकेशन के द्वारा हम बी विटामिन्स या जो भी विटामिन्स लॉस हुए उनको ऐड कर सकते हैं।
अब हम बात करते हैं कि जो सीरियल्स होते हैं उनमें जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं उनका क्या कॉम्पोजिशन और कितनी वैल्यू में वो प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स हमें मिलते हैं सीरियल्स से, तो कार्बोहाइड्रेट सीरियल्स में कितनी मात्रा में प्रेजेंट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट 80% ड्राई मैटर को कॉन्स्टिट्यूट करता है, और कार्बोहाइड्रेट जो है वो दो तरीके का प्रेजेंट होता है सीरियल्स में, एक तो क्रूड फाइबर के रूप में और एक सॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में। क्रूड फाइबर जो होते हैं वो ब्रान लेयर में प्रेजेंट होते हैं, और ये जो क्रूड फाइबर्स होते हैं वो होते हैं जैसे कि सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज एंड पेंटोजेंस। सॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो जो हमारे सीरियल में प्रेजेंट होता है वो होता है स्टार्च। फिर हमारे सीरियल्स से हमें प्रोटीन भी मिलते हैं। प्रोटीन्स में क्या होते हैं, हाई कंसंट्रेशन ऑकर होती है प्रोटीन की एम्ब्रियो में। जैसे हमने अभी बात भी की थी कि एम्ब्रियो में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। पीछे चल के देख लेते हैं हम, ये देखिए ये फैट और प्रोटीन में रिच होते हैं, ठीक है। तो जो प्रोटीन्स होते हैं वो हाई कंसंट्रेशन इनकी एम्ब्रियो में, स्क्यूथैलम में भी प्रेजेंट होती है, जो लेयर जो है एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो को सेपरेट करती है। एंड एल्यूरोन लेयर में भी प्रेजेंट होती है, क्योंकि ये सेल्स की लेयर होती है जो कि एंडोस्पर्म को सराउंड करती है। एल्ब्यूमिन्स, ग्लोबुलिन्स, प्रोलेमाइंस जिसको हम ग्लियाजन भी बोलते हैं, एंड ग्लूटेलिन्स, ये सारे प्रोटीन्स होते हैं जो कि हमारे फाइबर में, सॉरी सीरियल्स में प्रेजेंट होते हैं। ग्लियाडेंस एंड ग्लूटेलिन्स को हम ग्लूटेन प्रोटीन भी कहते हैं। कंज्यूमिंग सीरियल्स विद पल्सेस, जब हम सीरियल्स को पल्सेस के साथ में खाते हैं तो हमारे प्रोटीन क्वालिटी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है, जो प्रोटीन हमें सीरियल्स से मिलता है, क्योंकि सीरियल्स के अंदर लाइसिन की कमी होती है, लेकिन वो मीथियोनिन में रिच होते हैं। बहुत ज़्यादा मीथियोनिन सीरियल में प्रेजेंट होता है, बट लाइसिन की कमी होती है। लेकिन जो पल्सेस होते हैं, पल्सेस में मिथियोनिन की कमी होती है, लेकिन पल्सेस जो हैं वो लाइसिन में बहुत ज़्यादा रिच होते हैं। तो जो इनकी मिथियोनिन और लाइसिन की जो एक अमाउंट है वो बैलेंस जो है वो हमारा जो पल्सेस और सीरियल्स की डाइट है वो फुलफिल कर देती है। नेक्स्ट, लिपिड्स जो होते हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं हमारे सीरियल्स के अंदर। मोस्टली ट्राइग्लिसराइड्स जो होते हैं, पाल्मिटिक एसिड, ऑलिक एसिड, लिनोलिक एसिड एंड फॉस्फोलिपिड्स एंड लिसिथिन, ये सारे के सारे प्रेजेंट होते हैं। और शोज प्रेजेंस ऑफ 1.2% लिपिड्स व्हीट में होते हैं एंड राइस में होते हैं, एंड 3% मेज में प्रेजेंट होते हैं। मिनरल्स जो होते हैं वो भी हमें हमारे जो सीरियल्स होते हैं उनसे मिलते हैं। तो बेसिकली हमें क्या क्या सीरियल से मिल रहा है, हमें सीरियल से कार्बोहाइड्रेट्स मिल रहे हैं, प्रोटीन्स मिल रहे हैं और लिपिड्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखनी ज़रूरी हैं कि हमें सीरियल से क्या मिलता है। सीरियल से क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स एंड मिनरल्स मिलते हैं। अब जो मिनरल्स हैं, 95% मिनरल्स फॉस्फेट्स एंड सल्फेट्स जो होते हैं, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम के प्रेजेंट होते हैं सीरियल्स के अंदर। कुछ स्मॉल क्वांटिटीज कॉपर, जिंक, मैंगनीज की भी प्रेजेंट होती है। जो एब्जॉर्प्शन है आयरन का वो डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि जो प्रेजेंस है फॉस्फोरस की सीरियल्स में वो फाइटिन की फॉर्म में होती है, और फॉस्फोरस की प्रेजेंस की वजह से हमें सीरियल से इतना आयरन नहीं मिल पाता है। आयरन अवेलेबिलिटी इज इम्प्रूव्ड, हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, और ये इम्प्रूव होती है ड्यू टू द एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन ऑफ द फाइटेट कंटेंट ऑन जर्मिनेशन। जब जर्मिनेशन टेक प्लेस करता है सीरियल्स का, तब आयरन की जो अवेलेबिलिटी होती है वो इम्प्रूव हो जाती है, क्योंकि जो फाइटेट कंटेंट है उसका ब्रेकडाउन हो जाता है और एंजाइमेटिक एक्टिविटी जो है वो टेक प्लेस करती है। मोर फाइटेट्स आर अवेलेबल इन अनरिफाइंड सीरियल्स। अनरिफाइंड सीरियल्स जो होते हैं उनमें ज़्यादा फाइटेट्स प्रेजेंट होते हैं एज़ कम्पेयर टू द रिफाइंड या पॉलिश सीरियल्स। सीरियल्स जैसे कि रागी एक बहुत अच्छा सोर्स है कैल्शियम आयरन का, और जो राइस है वो पुअर सोर्स है कैल्शियम और आयरन का। मिलेट्स बहुत अच्छे सोर्स हैं मिनरल्स एंड फाइबर्स के। तो जो सीरियल्स हैं जैसे कि रागी, ये बहुत अच्छा सोर्स है कैल्शियम आयरन का। राइस पुअर सोर्स है कैल्शियम आयरन का। मिलेट्स बहुत अच्छे सोर्स हैं मिनरल्स एंड फाइबर्स के। देन विटामिन्स भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो विटामिन्स में क्या है, जो पारबॉइल्ड राइस होते हैं वो कंटेन करते हैं ज़्यादा विटामिन बी को एज़ कम्पेयर टू
द अदर एज इन प्रोसेसिंग ऑफ पारबॉइलिंग, हम सोकिंग स्टीमिंग करते हैं और ये रिजल्ट करता है विटामिन्स जो होते हैं उनका मतलब एनहेंसमेंट होता है इन द आउटर लेयर में इन टू द ग्रेन. ग्रेन में जो विटामिन्स होते हैं उनकी प्रेजेंस जो है वो एनहेंस हो जाती है. तो इसीलिए जो पारबॉइल्ड राइस होते हैं उनमें ज़्यादा विटामिन्स होते हैं और विटामिन्स जो हैं वो सीरियल्स में प्रेजेंट होते हैं. होल व्हीट फ्लोर जो होता है वो कंटेन करता है, जो आटा होता है वो क्या कंटेन करता है, वो बी विटामिन्स ज़्यादा कंटेन करता है एज़ कम्पेयर टू द मैदा. और जो ऑयल एक्सट्रैक्टेड होते हैं फ्रॉम सीरियल ग्रेन्स वो बी विटामिन्स में बहुत ज़्यादा रिच होते हैं. एंजाइम्स की बात करें तो अमाइलेजेस, प्रोटीएजेस, लिपेजेस और ऑक्सीडो रिडक्टेसेस, ये सारे एंजाइम्स जो हैं ये इंपॉर्टेंट एंजाइम्स हैं और ये सारे के सारे जो हमारे सीरियल्स होते हैं उनमें प्रेजेंट होते हैं. जर्मिनेशन जो होता है सीरियल का, इनकी एक्टिविटी बढ़ा देता है और ख़ास करके अल्फ़ा अमाइलेज एंजाइम की. सो क्या क्या प्रेजेंट होता है सीरियल में और सीरियल का कैसा स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर कितने पार्ट्स होते हैं, ये हमने अभी देखा. हमने पहले तो ये देखा कि फूड साइंस क्या होती है, राइट. फूड साइंस क्या होती है, फूड साइंस बहुत सारी चीज़ों से डील करती है. उसके बाद में हमने देखा कि बहुत सारे कितने तरीके के वेजिटेबल फूड्स, नॉन वेजिटेबल फूड्स हैं, वो सब हम पहले पढ़ चुके हैं. तो हमने शुरुआत की सीरियल से, सीरियल्स में क्या क्या होता है और सीरियल का क्या कॉम्पोजिशन होता है, कितना क्या कंटेन करता है, वो किस चीज़ का वो बहुत अच्छा सोर्स है. फिर हमने देखा कि क्या क्या स्ट्रक्चर है सीरियल ग्रेन्स के. चार लेयर्स को कंटेन करता है, एम्ब्रियो, एंडोस्पर्म, ब्रॉल्ट, पेरिकार्प, एल्यूरोन सेल लेयर एंड स्क्यूटेलम क्या होता है ये हमने जाना. उसके बाद में हमने ये देखा कि जब हम कुक करते हैं तो कुकिंग से जो न्यूट्रिटिव वैल्यू होती है सीरियल्स की उन पर क्या असर पड़ता है. फिर हमने देखा कि कितना न्यूट्रिशन प्रेजेंट होता है, उसकी कितनी वैल्यू और कॉम्पोजिशन प्रेजेंट होती है. तो कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं हमारे सीरियल्स में, तो वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, मिनरल्स, विटामिन्स एंड एंजाइम्स. सो गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा.